प्रदेश में शनिवार को कई जगह आसमान में एक चमकीली सी रंगीन रोशनी दिखने की चर्चाएं जोरों पर हैं। कई लोग इसे उल्कापिंड कह रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे ग्रामीण क्षेत्रों में गिरने का दावा भी कर रहे हैं। इसके कई गिरने के दावे अब तक सारे झूठ पाए गए हैं। जब हमने इस कथित उल्कापिंड को लेकर विशेषज्ञों से बात की तो उन्होंने इसे सामान्य तौर पर प्राकृतिक घटना बताते हुए लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में कल आसमान में अचानक एक अलग ही तरह की अज्ञात अद्भुत चीज अपनी लाइट चमकाते हुए निकलने के दृश्य को लोगों ने पहली बार देखा। आसमान में चमकीली रंगीन रोशनी देखकर मोबाइल में इस नजारे को सैकड़ों लोगों ने कैद किया। चमकते चार गोले गिरने की घटना की खलबली के बीच अभी तक कहीं भी कोई नुकसान की सूचना नहीं है। खरगोन शासकीय महाविद्यालय के प्रोफेसर संतोष राठौर का मानना है कि धूमकेतु सूर्य का चक्कर लगाने के दौरान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे में आने पर घर्षण के कारण आग के गोले की तरह गिरते हैं। ये खगोलीय घटना है। भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर संतोष कुमार राठौर का कहना है कि सौरमंडल में बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड बेल्ट है, यानी धूमकेतु का बेल्ट है। ये लाखों करोड़ों की संख्या में सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। धूमकेतु छोटे से कण से लेकर टनों से वजन आकार द्रव्यमान होते हैं। एस्ट्रॉइड पृथ्वी के आसपास घूमते नजर आते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आने पर ये तेजी से पृथ्वी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु से घर्षण होने पर गर्मी पैदा होती है। घर्षण होने से इनमें आग लग जाती है और ये आग के गोले जैसे दिखाई देते हैं। ये टुकड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये हमें मिल जाएं तो इनकी सूक्ष्म जांच होती है। जांच से पता चलेगा कि इनमें कौन कौन से तत्व हैं। तो पृथ्वी का चक्कर लगाने लग जाते हैं। आप जैसे ये वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते तो फ्रिक्शन के कारण एक तो कंटिन्यूअसली इनकी जो गति है कम होती जाती है। तो ये क्या है, ऐसे सर्पिला आकार में राउंड राउंड करते करते वो पृथ्वी पे गिर जाते हैं और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है। नहीं, लोग इसे अफवाहों के दौर में ना जाएं। ये एक सामान्य सी प्राकृतिक घटना है, खगोलीय घटना है, जिसमें जो है एक कमेट जो है या कहें उल्कापिंड जो है सूर्य के चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंच जाता है। तो ये पृथ्वी के चक्कर लगाने लगता है और तेज़ी से पृथ्वी की तरफ गिरता है। तो पृथ्वी के जो वायुमंडल है उससे घर्षण के कारण इस उल्कापिंड में ये आग के गोले के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये बड़ा है, इसका साइज अगर बड़ा है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, जहाँ तक मैंने देखा बहुत सारे आग के छोटे छोटे गोले दिखे, तो एक बड़ा सा उल्कापिंड छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हुआ है। तो ये एक सामान्य सी प्राकृतिक घटना है, इसमें अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए। ऑनलाइन गेम एक बार फिर एक नाबालिग की जान का दुश्मन बन गया। मामला छतरीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां ऑनलाइन गेम की लत ने एक युवक की जान ले ली। नाबालिग मोहम्मद मिर्जान गेम खेलने का शौकीन था और इस शौक ने देर शाम उसकी जान ले ली। देर शाम युवक ने कमरे में फांसी लगा ली। परिजनों ने युवक का शव फंदे से उतार कर अस्पताल में इलाज के लिए लेकर पहुंचे, तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। दरअसल घटना छतरीपुरा थाना की है। यहाँ रहने वाले मोहम्मद मिर्जान ने अपने घर की चौथी मंजिल पर फांसी लगा ली। परिजन फैजान को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने तमाम परिवार से गुहार लगाई है कि अपने बच्चों को ऑनलाइन गेम से दूर रखें, ताकि उनका हंसता खेलता जीवन इस मोबाइल की लालसा में खराब न हो जाए। फिलहाल छतरीपुरा पुलिस द्वारा मामले में मर्ग कायम कर मृतक का मोबाइल और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सर, ऐसी कोई कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब बढ़िया था। पता नहीं, बस बच्चा है, बस गेम से थोड़ा सा लगा हुआ था। बट कौन सा गेम खेलता है? सब गेम तो क्या, पबजी भी है और दो तीन गेम है बस। सर, मोबाइल में मिले हैं? कभी घर वालों ने रोका है इस गेम के लिए? रोका इस गेम के लिए। बच्चे क्या है कि ठीक है, लाड़ के रहते हैं, भाई के बच्चे हैं, उन्होंने काफ़ी लाड़ प्यार से पाला उन्हें। हर चीज़ के लिए तो मना किया नहीं जा सकता, बच्चे को ठीक है। बाकी बच्चे कैसे पता चला आपको? बच्चे 5:30 बजे कमरे में गया ऊपर, वो 4:30 से 5 बजे कूलर करवा कर उसका 2-1 घंटे उतरा नहीं नीचे। घर वालों को लगा भी दर सकल झूलेलाल जयंती का जुलूस भी था, पानी पैसा लगा कि बच्चा उतरा नहीं अभी तक के। ऊपर देखते हैं, ऊपर जाकर देखा तो फंदे पर लटका पाया। कल 4 बजे वो अपने कमरे में गया ऊपर और घर वालों का कहना है कि वो मोबाइल चलाता था, गेम खेलता था उस पर। और फिर शाम को जब 9 बजे उसके चाचा बोले कि खाना खाना है तो उसको बुला लो, तो वो उसकी माता जी
साहिस्ता भी उसको बुलाने गई तो अंदर से दरवाज़ा बंद था तो उसको खटखटाया, उसने नहीं खोला, तो वो नीचे आके उनके अपने चाचा को बोला, उसने भाभी ने अपने देवर को बोला कि वो उसका दरवाज़ा अंदर से बंद है और बोल भी नहीं रहा। तो वही नीचे से जाके देखा उनने, तो कांच की खिड़की में से उनने झांक के देखा तो वो पंखे को उस पर लटका हुआ था। तो उसको नीचे उतारा उनने और ले कर आए थाना छत्रपुरा में, मर्ग क्रमांक 2 कायम कर मृतक के जांच में लिया गया, आगे की जांच जारी है।